हेलो एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू एस्ट्रो सेज। आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर वन एस्ट्रोलॉजी पोर्टल यूट्यूब चैनल एस्ट्रो सेज, और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड रीडर बनी अरोड़ा, आपके लिए लेकर आई हूँ लव हॉरोस्कोप। तो लव हॉरोस्कोप पे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, आपकी जो भी क्वेरीज हैं, आप कितने भी परेशान हैं, हम सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ के रखेंगे आपके लिए। तो आप आए हमसे बात करें, आप बॉल आइकन पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली वार्ता पे लिंक हो जाएंगे, नहीं तो आप go.astrosage.com/vinnie पे क्लिक कर सकते हैं और आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। तो मिल करके सोल्यूशन ढूंढेंगे और कुछ अच्छे और क्विक सोल्यूशंस ढूंढेंगे कि आपकी सब प्रॉब्लम्स एकदम चुटकियों में भाग जाए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के लव हॉरोस्कोप की। लेकिन अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से आपको अपडेटेड वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो देख लेते हैं हमारे 24 फरवरी यानी कि बुधवार के दिन क्या लेकर आया है हम सभी राशियों के लिए। हफ्ते का मध्यांतर है, आप सब मुझे उम्मीद है बहुत थके होंगे अपने प्रोफेशनल लाइफ की टेंशन से, बट पर्सनल लाइफ भी तो उतनी इम्पॉर्टेंट है ना। तो देखते हैं क्या कहते हैं हमारे कार्ड्स आज के लिए। तो शुरुआत करते हैं हमारी पहली यानी कि मेष राशि से, और मेष राशि के लिए ये आ रहा है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। तो अगर हम बात करें हमारे लवी डवी कपल्स की, तो यहाँ पर दिख रहा है कि आज आप बहुत ही चार्मिंग होंगे, बहुत ही लविंग होंगे और बहुत रोमांटिक एनर्जी में रहेंगे, और यही सेम रिस्पॉन्स आपको अपने पार्टनर से मिलने वाला है। तो आज आप दोनों एक दूसरे का साथ जो है बहुत इन्जॉय करेंगे, अगर नहीं मिल पाएंगे तो फ़ोन पर बहुत अच्छी गुफ्तगू करेंगे जो आप दोनों का दिन बना देगी। चलिए उसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे शादीशुदा लोगों के जीवन में, देखते हैं क्या हो रहा है। और उनके लिए ऐसा दिख रहा है कि आज आपकी पार्टनर आपसे थोड़ी सी शिकायतें रखेंगी, क्योंकि वो आपसे कुछ बात करेंगी या बात करेंगे जो आप शायद पूरी नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पे थोड़ी सी शिकायतें होंगी। लेकिन ये बहुत ही फिर भी पॉजिटिव नोट पे है, कुछ नेगेटिव नहीं दिखा रहा है। वो छोटी मोटी नोकझोंक और छोटी मोटी सी शिकायतें तो रिलेशनशिप में चलती रहती है, यही जर्नी है पति पत्नी की। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपनी दूसरी राशि यानी कि वृष राशि की तरफ, और वृष राशि के लिए आ रहा है हमारे पास ये पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो जो हमारे लव बर्ड्स हैं, आज दिखता है कि बहुत लाइट मोड में रहने वाले हैं। आज आप बहुत हंसी मजाक करेंगे अपने पार्टनर के साथ, तो आज आपका लव जोन थोड़ा कम होगा और फ्रेंडशिप जोन थोड़ा ज़्यादा होगा, और हो सकता है आप उनकी कुछ कुछ बातों को टीज़ करें, तो ये टीजिंग थोड़ा संभाल के कीजिएगा, वो बिगड़ सकते हैं आपकी ज़्यादा टीजिंग से। वहीं अगर हम बात करें हमारे शादीशुदा लोगों की, तो ऐसा दिख रहा है कि आज आप कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे अपनी फैमिली को लेकर के या बजट को लेकर के। तो आप दोनों टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन वो बहुत डिफरेंट तरीके से करेंगे, जहाँ पे आपका प्लानिंग ज़्यादा इन्वॉल्व होगा ऐसा दिखाई दे रहा है। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी तीसरी राशि यानी मिथुन राशि की तरफ, और मिथुन राशि के लिए आ रहा है हमारे पास द हैंडमैन का कार्ड। तो हम अगर अपने लवी डवी कपल्स और लव बर्ड्स की बात करें, तो आज की एनर्जी बहुत ब्राइट तो नहीं आ रही है आपके लिए। ऐसा दिख रहा है कि आज आप बहुत ज़्यादा लॉस्ट रहने वाले हैं, तो हो सकता है आपकी रिलेशनशिप को लेकर के ऐसी कुछ बातें आपके माइंड में घर कर जाएं, आपके दिमाग पर हिट हो जाएं, जिसको लेकर के आप बहुत उलझे रहेंगे या बहुत लॉस्ट रहेंगे। और इसी यही एनर्जी आपके पार्टनर को के पास बिल्कुल, आप भले ही फ़ोन पे हों या ना हों, कहीं ना कहीं वो आपसे कनेक्टेड हैं, तो वो भी ट्रैप करेंगे इस एनर्जी को। तो इसके चलते आपके रिलेशनशिप में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है ऐसा दिखाई दे रहा है। चलिए वहीं अगर हम बात करें हमारे शादीशुदा लोगों की, तो ऐसा दिख रहा है कि आज आप बहुत ज़्यादा हैवी फील करेंगे, बहुत बर्डनसम फील करेंगे, क्योंकि आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हो सकता है आपको सबमिट करने हो, या घर पे कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी हो, जिसके चलते आप बहुत एग्जॉस्टेड फील करेंगे और कहीं ना कहीं आप लो इन एनर्जी फील करेंगे। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि आपकी पार्टनर आपको यानी कि आपकी स्पाउस या आपके पति या पत्नी जो हैं, आपको पूरा सहयोग करेंगे, तो आपको पूरा बैलेंस करेंगे, आपको होल्ड करेंगे, ऐसी एक एनर्जी आ रही है। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी चौथी राशि यानी कर्क राशि की तरफ, और कर्क राशि के लिए हमारे पास आ रहा है द चैरियट का कार्ड। अगर हम अपने लव बर्ड्स की बात करें, तो आज आप बहुत बैलेंस एंड एनर्जी रहेंगे, मतलब आप दोनों बहुत अच्छे प्लानिंग करेंगे, आप दोनों अपने अपने प्रोफाइल में खुश रहेंगे और एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे। तो आज के दिन की जो अच्छी बुरी आदतें हैं या कुछ बहुत अच्छी चीज़ें जो हुई हैं, आप दोनों के साथ शेयर करेंगे और बहुत अप्रिशिएट करेंगे एक दूसरे को, ऐसी एनर्जी आ रही है। वहीं अगर हम अपनी शादीशुदा लोगों की बात करें, तो यहाँ पर दिख रहा है कि आज कुछ बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आपको डिसीजन लेने पड़ सकते हैं, तो आप दोनों मिलकर डिसीजन लेंगे तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग डे है आप दोनों के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली राशि की तरफ, जो कि है
हमारी सिंह राशि, और सिंह राशि के लिए आ रहा है हमारे पास जस्टिस का कार्ड। तो अगर हम अपने लवी डवी कपल्स की बात करें तो आज आपकी एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत हाई होगा। आप कहीं ना कहीं सोचेंगे या कहेंगे अपने पार्टनर से कि हम आपके लिए इतना करते हैं, तुम बदले में क्या करते हो। तो आप कहीं ना कहीं अपने एफर्ट्स को वे करेंगे अपने पार्टनर्स के एफर्ट के साथ। तो ऐसा मत कीजिए, इससे आपकी रिलेशनशिप में थोड़ी सी टेंशन आ सकती हैं। आप दोनों ही तराजू के दो पहलू हैं, दोनों बैलेंस करके चलेंगे तो आपका रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छा चलेगा। अब हम बात करें हमारे मैरिड नेटिव्स की, जहाँ हमारे शादीशुदा लोगों की, तो ऐसा दिख रहा है कि आज कुछ परिवार लोग जन के जो सदस्य हैं उनकी आपस में बातचीत के चलते कुछ आपको इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं। तो अपने परिवार के लिए आप दोनों को डिसीजन लेने हैं, तो आपसे जो एक्सपेक्टेशन रहेगी वो ये रहेगी कि आप दोनों मिल करके लें। तो आज आपको अपने दोनों को थॉट्स और व्यू पॉइंट थोड़े से मैच करके चलना है, ऐसा आपके लिए गाइडेंस आ रही है, नहीं तो आप थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन में आ जाएंगे अगर आप नहीं करते हैं। तो चलिए हम इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली राशि की तरफ, जो कि है हमारी कन्या राशि, और देख लेते हैं कन्या राशि के लिए क्या कहते हैं हमारे कार्ड्स। और ये आ रहा है हमारे पास टू ऑफ वांड्स का कार्ड। हम अगर अपने लवी रवि कपल्स की बात करें तो आज आपका ध्यान कहीं और होगा, तो आपका ध्यान आज आपके पार्टनर पे नहीं होगा, जिसकी वजह से आपका पार्टनर आपसे कंप्लेन कर सकता है। तो हो सकता है कोई नया पर्सन आया हो आपकी लाइफ में, या कोई नई पर्सन से आप मिले हो, जिसकी वजह से आपका और आपके पार्टनर की रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम आज आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें हमारे शादीशुदा लोगों की, तो ऐसा दिख रहा है कि कोई कार्य है जो आप दोनों को करना है, लेकिन आप बहुत अच्छे से बैलेंस करेंगे, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड करेंगे और सेट करेंगे, और उसके बाद उसे करेंगे, और आप दोनों को उसकी एप्रिसिएशन भी मिलेगी। तो एज अ कपल आज आपको एप्रिसिएशन मिल सकती है, ऐसा दिखाई दे रहा है। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी अगली राशि की तरफ, यानी कि तुला राशि की तरफ। और तुला राशि के लिए आ रहा है हमारे पास टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो जो हमारे लव बर्ड्स हैं, आज कुछ टेंशन में दिखाई दे रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको पसंद नहीं आई हैं या पसंद नहीं थी, उस पर आप सोच रहे हैं। तो वहाँ पर आप कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस में हैं कि आप ठीक भी कर रहे हैं, रिलेशनशिप ठीक भी जा रहा है, या ये ठीक होगा भी कि नहीं। तो आप ऐसे एक नेगेटिव एनर्जी में अपने रिलेशनशिप को लेकर के। वहीं अगर बात की जाए हमारे शादीशुदा लोगों की, तो ऐसा लग रहा है कि आज थोड़ी सी लड़ाई हो सकती है, तो आपके व्यू पॉइंट नहीं मिलेंगे जिसके चलते लड़ाई हो सकती है। और हो सकता है कि आप दोनों की आपस में ऐसी कोई बात हो या दिमाग में और ऐसा कोई तनाव हो जिसके चलते आप अपने पति या पत्नी से लड़ाई करें। तो देखिए, जो भी तनाव है हम बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं, आप हमसे वार्ता पर बात कर सकते हैं। तो आप बॉल आइकन पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली वार्ता पे लिंक हो जाएंगे, नहीं तो आप go.astrosage.com/vinnie उस पर क्लिक कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो आप डायरेक्टली उस पर क्लिक कर लीजिए, आप मुझसे बात कर सकते हैं, हम बिल्कुल आपकी समस्या का समाधान ढूंढेंगे और अच्छे अच्छे सोल्यूशंस निकालेंगे, जो क्विक एंड ईजी तरीके से आपको सोल्यूशंस दे और आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों थोड़ा सा ट्रैक पे ले आए। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपनी अगली राशि की तरफ, जो कि है वृश्चिक राशि। और वृश्चिक राशि के लिए ये आ रहा है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो यहाँ पर हमारे जो लवी डवी कपल्स हैं, आज थोड़े से डिफरेंट जोन में होंगे। आज आप अपने पार्टनर को इवैल्यूएट करेंगे लव के अलावा चीज़ों पर, कि वो कैसे ड्रेसअप होते हैं या कैसे ड्रेसअप होती हैं, वो आपसे किस तरीके से ट्रीट करते हैं, आपके फ्रेंड्स को कैसे ट्रीट करते हैं। तो आप कहीं ना कहीं एक इवैल्यूएशन में रहेंगे उनको लेकर के, ऐसा दिखाई दे रहा है। वहीं अगर अपने शादीशुदा लोगों की बात करें, तो ऐसा दिख रहा है कि आज आप अपने पार्टनर के साथ कोई शॉपिंग प्लान कर सकते हैं। तो आप कुछ ऑनलाइन शॉप कर सकते हैं या कहीं नियर बाय स्टोर पर जाके शॉप कर सकते हैं अपने घर को लेकर के, ऐसी एक एनर्जी आ रही है। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी अगली राशि की तरफ, जो कि है धनु राशि। और धनु राशि के लिए आ रहा है हमारे पास नाइन ऑफ कप्स का कार्ड। अगर हम अपने लव बर्ड्स की बात करें, तो आज आप बहुत फ्लॉन्टिंग उसमें रहेंगे। तो भले ही आपकी अपनी पार्टनर से बात हो आज के दिन या ना हो, लेकिन उनके साथ जो आपका रिलेशनशिप है या उनके साथ जो आपकी कुछ अच्छी पिक्चर्स हैं या अच्छी यादें हैं, वो आप डिस्कस करेंगे अपने फ्रेंड्स में, और बहुत फ्लॉन्ट करेंगे अपने रिलेशनशिप को, ऐसा दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं वो आपको हैप्पीनेस भी देगा। और अगर हम बात करें हमारे शादीशुदा लोगों की, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप किसी कपल किटी या कोई फैमिली छोटी सी गेट टुगेदर में जा सकते हैं, और दोनों एज अ कपल बहुत खूबसूरत लगेंगे और अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स बटोरेंगे, ऐसी एक एनर्जी आ रही है। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी अगली राशि, यानी मकर राशि की तरफ। और मकर राशि के लिए आ रहा है हमारे पास थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो एक अच्छे रिलेशनशिप में नहीं हैं, तो जो हमारे प्रेमी जातक हैं जो अच्छे रिलेशनशिप में नहीं है, या
बहुत रफ फेस में जा रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेके, यहाँ पर कुछ ब्रेक की पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, तो बहुत अच्छी एनर्जी नहीं आ रही है। अगर आपकी कोई बहुत लड़ाई हुई है किसी बात पे, या किसी बात पे लड़ाई चल रही है, तो कोशिश करें आज के दिन ज़्यादा डिस्कशंस पे नहीं जाएं, तो क्योंकि ब्रेक अपार्ट की सिचुएशन हो सकती है आपकी ज़िंदगी में। चलिए वहीं अगर बात करें हमारे शादीशुदा लोगों की, तो ऐसा दिख रहा है कि आपकी कोई थॉट है या आपकी कोई बात है जो आपकी स्पाउस ने इग्नोर कर दी है या ध्यान नहीं दिया है, जो आपको हर्ट करेगी। तो ऐसी कोई थॉट, ऐसी कोई बात, ऐसा कोई काम जो उन्होंने नहीं किया, वो आपको हर्ट करेगा, आपको पिंच करेगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इतना सेंसिटिव नहीं हो, उनसे डिस्कस कर लें, आपको बिल्कुल समझते हैं या समझती हैं, तो चीज़ें सॉर्ट आउट होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी अगली राशि यानी कि कुंभ राशि की तरफ। और कुंभ राशि के लिए आ रहा है हमारे पास सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। अगर हम बात करें हमारे लव बर्ड्स की, तो आज आपकी जो लव जोन है थोड़ा सा पॉज में रहेगा। आज आपकी पार्टनर जो है थोड़ी बिजी रहेंगी, या वो कहीं गई हैं, बहुत डिस्टेंस पे हैं, इसलिए आपसे बात नहीं हो पाएगी, जिसके चलते आप थोड़ा इंतज़ार करेंगे और इंतज़ार में ही दिन बिताएंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो अगर आप बहुत 2-3 घंटे बात करते हैं या लंबी बातें करते हैं, तो आज बहुत छोटी बात होगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर आप बहुत टेक्स्टिंग में रहते हैं, तो बेसिकली आज आपका बातचीत थोड़ा कम होगा और आप थोड़ा इंतज़ार करेंगे उनसे बात करने के लिए। वहीं अगर बात करें हमारे शादीशुदा लोगों की, तो ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों मिलके कोई काम प्लान कर रहे थे या काम प्लान किया था आपने, लेकिन उसके रिजल्ट्स नहीं आए हैं, तो उसके रिजल्ट्स के लिए आपको आज भी वेट करना पड़ेगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो अगर आप कुछ नया आज ही प्लान करने की सोच रहे हैं, तो रुक जाएं, क्योंकि आज प्लान किए हुए किसी काम के रिजल्ट्स बहुत जल्दी नहीं आएंगे, या कोई इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट्स जल्दी नहीं आएंगे, तो आप आज के दिन रुक सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी आखिरी राशि यानी मीन राशि की तरफ। और मीन राशि के लिए आ रहा है हमारे पास फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो हमारे जो लव बर्ड्स हैं, आज किसी बात को लेकर उलझ सकते हैं, आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। तो यहाँ पे लड़ाई नहीं दिख रही है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है। या तो आपने कुछ कहा, या उन्होंने कुछ कहा, आपने नहीं समझा, या आप आपस में बात करके उसे सल्यूशन नहीं निकाल पाए, या उसे क्लियर नहीं कर पाए किसी चीज़ को, तो इसको लेकर के कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पर दिख रही हैं। वहीं अगर हम बात करें हमारे शादीशुदा लोगों की, तो यहाँ पर दिख रहा है कि किसी की तबीयत ठीक नहीं है, आप या आपके स्पाउस की तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, जिसके चलते आप दोनों थोड़ा सा रन अराउंड कर रहे हैं और एक और ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। चलिए इसी के साथ आपका आज का लव राशिफल समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी लव राशिफल के साथ, लेकिन आपकी सारी प्रॉब्लम्स के लिए हम अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे, तो आप हमसे बात कर सकते हैं वार्ता पर। आप बॉल आइकन पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली वार्ता पे रूट हो जाएंगे, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसमें बिल्कुल क्लिक कर सकते हैं, वो है go.astrosage.com/vinnie। तो आप जानते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हो, हम सोल्यूशन ढूंढेंगे और आपसे बात करेंगे, तो आप बिल्कुल कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। और जो आपके बहुत जनरल से कमेंट्स हैं, वो आप बिल्कुल यहाँ पे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, कोशिश करेंगे उन पे भी आपको रिवर्ट किया जाए। इसी के साथ आपसे आज विदा लूंगी, आप खुश रहें, खिलखिलाते रहें, नमस्कार। एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात, प्यार पैसा परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं।